देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हमें डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕੋਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਛੋਟੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਬੀ ਘਰ ਆਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਬੀ ਘਰ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਦੇ ਘਰ। इस महिला का बयान तो तुसी सुन ही लिया, जिस वलो लोक इंसाफ पार्टी के मुखी ते विधायक सिमरजीत बैंस से जबर जनाह के आरोप लगाए गए ने। दस दे कि महिला वलो इस दी लिखती शिकायत लुधियाना के पुलिस कमिश्नर नूं दित्ती गई है। भावें कि विधायक बैंस ने इन्हां आरोपों नूं पूरी तरह बेबुनियाद दस्या है, पर महिला वलो खुद सामने आके लगाए इन्हां आरोपों के नाल ये मुद्दा होर ज़्यादा पक गया है। तो इसे चलते हुण पंजाब दीआं वख-वख राजनीतिक पार्टियां के आगू भी इस ते अपना प्रतिक्रम दे रहे ने। बहुत सीरियस मैटर है, बहुत वड्डा इल्जाम लगे है, एंड पुलिस नू जरूर इसते स्ट्रोंग एक्शन लेना चाहिए कि जे उसे सच्चाई है तो बहुत सीरियस गल है। दसो ये सियासी के पार्टी नाल जुड़ी हुई है कि उन्हें सियासी किया क्यों किया, उन्होंने उस बीबी दे सेहत ते की असर पे है। जेड़े तुसी 10 महीने दे उहदे नाल बड़े प्यार वाले मैसेज एक्सचेंज कर रहे हो, वो क्यों सियासी सी क्यों परसनल सी, ते परसनल तुसी लिमिट्स क्यों क्रॉस कीती है किसी औरत नाल चैट करन वेले। एक विडो औरत दे बेवक्त घर बुलाउणा, उहदे घर जाना, उहनू अपने घर बुलाउणा, ये तो एटीकेट्स के खिलाफ है। तो आ जिहड़ियां गल्लां हरीश राय ढांडे ने दसियां कि वह किवें फला किसी के सामने उन्होंने ऑफेंस कमिट किया, तो जब उस मुंडे नाल ऑफेंस किया उदों भी ये औरत मौजूद सी, दो दो बंदे काने करते कि एक दूजे दो ट्रौला ना पाउण। मीडिया के राही मैनू भी पता लग्या बई ये कोई एक लेडी ने औरत ने जिन्होंने इल्जाम लाए ने। मैं हजे इस गलते क्योंकि निजी तौर पर जे मैं कह ना मेरी बैंस साहब नाल गल हुई है, इसते मैं हजे की कोशिश कर रहा सी भी ये की है ये पिछे गल। मैं कुछ ऑफिसर्स नाल गल की है जड़े लुधियाने दे, ते अज एक दो दिन दे विच वो सारी गल जिहड़ी आ की सच आ वो कढ के जरूर लैके आउणगे। देखो कई बार एमी भी किसी ते ना मैं जे कहां भी मेरे कोल इस वेले एक सियासी मुद्दा लभ गया मैनू, मैं बैंस साहब दे उल्ट गल करा, मैं उन्हां चों अपने आप नूं मैं नहीं समझदा भी किसी का भी हजे, क्योंकि जिन्ना चिर इनकुआरी जिहड़ी आ सी पी साहब ने जॉइंट सी पी आ जिहड़े साडे उत्थे दे उन्हां नूं इनकुआरी दित्ती आ ते उन्हां नाल गल करके ये सच कढांगे। उन्हां ने भी कहा है बैंस साहब दे आप दे मैं बयान सुन रहा सी भी मैं इस गल नाल पूरा कोऑपरेट करांगा इनकुआरी दे विच, ते गल जिहड़ी सामने आएगी फिर उस तरीके नाल थोड़े मूहरे रखांगे, क्योंकि इस बारे एक लेडी आ जिहड़ी उहदी भी बहुत बच्चे भी ने उन्हां दे उहदा भी बहुत बड़ा इच इज्जत माण दी गल आ, ते एक पासे बैंस साहब दा भी करैक्टर जां उन्हां दे भी बच्चे आ उन्हां दा भी परिवार आ। बिना सोचे समझे तो मैं हजे गल मैं थोनों एवं कह मी एक सियासी दूषणबाजी मैं इसते करनों मैं समझना मैं ग्रेज करूँगा। हालांकि विधायक सिमरजीत बैंस ने इन्होंने सारे आरोपों नूं एक राजनीतिक शोशा दस्या है, तो कहा है कि उन्होंने ये आरोप कांग्रेस वालों लगाए गए ने ताकि लोगों का ध्यान असल मुद्दों तो भटकाया जा सके। कोई पहले मेरे उत्ते इल्जाम तराशियां नहीं हैगियां, मेरे ते मेरा ख्याल बादलों तो लैके कैप्टन तक 13 झूठे FIR दर्ज है। हर साल मैं दो तिना चो वरी हो जाना, दो तीन होर दर्ज हो जाते हैं। ये जिहड़ा मसला जिदन असी यात्रा शुरू करते हैं 16 तरीक न उस दिन मुख्यमंत्री दफ्तर तो रिकमेंड होकर दरखास्त आँदी है कमिश्नर पुलिस लुधियाणा, दुधा दुध पानी का पानी होगा। मैनू अदालतों से बड़ा पूर्ण विश्वास यकीन आ, मेरे करैक्टर नूं पूरी दुनिया च बसदा पंजाबी जानदा मेरा करैक्टर की आ, मैं किड्डा बेईमान आ, किड्डा मैं ईमानदार आ, किन्ना सच्चा किन्ना झूठा। मेरा जीवन खुली किताब हैगा, उहदा कोई वर्का कोई सज्जन पढ़ सकदा। तुसीं किसी ऐसी औरत कोलों चार अखर लिखा के दे दिओ अदालत दे विच बैठा जज
उन्हें सारा कुछ सूई दे नक्के चों दी नगा के फैसले करने होंगे। सो ये सिर्फ अधिकार ही पंजाब अधिकार यात्रा का रंग फिक्का करने लई लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने लई एक राजनीतिक शोशा हैगा, इदू वध कुछ भी नहीं। की लगता किहदे वल्लों छड्डा शोशा? कांग्रेस वल्लों। मैं कहिंदा मुख्यमंत्री दफ्तर तों जे ठप्पी ला के तुरी होर कित्थों तुरना। दस दिए कि इस मामले च पुलिस वल्लों अजे तक कोई जानकारी नहीं दित्ती गई, पर पंजाब दीआं राजनीतिक पार्टियां दे खिलाफ बेबाक होकर बोलण वाले सिमरजीत बैंस खिलाफ दूजियां पार्टियां नूं बोलण दा मौका जरूर मिल गया। फिलहाल इस मामले च किन्नी सच्चाई है ये तां आउण वाला समां ही दसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठगां तों सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647, 84374 94648।